अब ना भैया लोग अपने घर को जाने की तैयारी कर रहे हैं, बोल रहे कि थोड़ा सा एक दो लाइन का गाना सुनाता हूँ करके। सुनना भैया का गाना। हाँ आप लोग, मैं न जानू नौकरी माँ, मैं न जानू नौकरी माँ, दिल्ली बहुत दूर, दिल्ली बहुत दूर, चाहा को होटल खोलो लाई ती टनकपुर, चाहा को होटल खोलो लाई ती टनकपुर। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रिंस मॉर्निंग ब्लॉगर में। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। नए दिन से एक नए ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। आज ना देखो रेडी हो रखी हूँ, क्यों हो रखी हूँ करके बताती हूँ आप लोगों को। आज ना हमारे यहाँ आ रखे हैं हल्दीचौड़ में उत्तराखंड म्यूजिक चैनल है जिनका, वो भैया आ रखे हैं सुनवान भैया जी। और अभी थोड़ा सा प्रोग्राम करने वाले हैं हम लोग, अभी जाऊँगी मैं भी वहाँ तैयार होकर मिलाऊँगी आप लोगों से। वो भी आ रखे हैं करके, रेडी हो रखी हूँ, जाती हूँ। बगल में ही आ रखे हैं वो दीदी लोगों के, है ना, रेडी हो रखी हूँ, बस जाती हूँ मैं वहाँ। तो मैं पहुँच गई जहाँ भैया लोग आए थे, अभी मिलाती हूँ आप लोगों से, भैया से। आज भैया का और मेरा दूसरी बार मिलना हो रहा है, पहले गई थी मैं भैया के घर बीच में, और आज भैया लोग आए हैं हम लोगों के यहाँ हल्दीचौड़ में। तो ये हैं भैया हमारे साथ के, बोलेंगे थोड़ा सा दो शब्द। दोस्तों आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आज, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है लक्ष्मी बहन के घर आने का। इधर यहाँ पे हमने थोड़ा सा प्रोग्राम भी किए, तो मुझे बहुत खुशी हुई लक्ष्मी बहन से मिलके। बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इनका चैनल थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब लाइक कीजिए, और थोड़ा सा उनको आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा। और मैं आशा करता हूँ मेरी बात का आपको कुछ ना कुछ ज़रूर वो होगा, मतलब आप लोग मानोगे, और बहन का थोड़ा सा चैनल आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू भैया। अब ना भैया लोग अपने घर को जाने की तैयारी कर रहे हैं, बोल रहे कि थोड़ा सा एक दो लाइन का गाना सुनाता हूँ करके। सुनना भैया का गाना। हाँ आप लोग, मैं न जानू नौकरी माँ, मैं न जानू नौकरी माँ, दिल्ली बहुत दूर, दिल्ली बहुत दूर, चाहा को होटल खोलो लाई ती टनकपुर, चाहा को होटल खोलो लाई ती टनकपुर। धन्यवाद। भैया लोग ना चले गए घर को, और मैं यहीं, मैं भी दीदी लोगों के यहाँ देखी हुई, मैं दीदी लोगों का नाम दिखा रही हूँ आप लोगों को। और ये है दीदी की छोटी सी बेबी, और सामने हारमोनियम के पास खड़ी है। ये है मेरे साथ की दीदी। तो इनने और मैंने ना ऐसे ही भजन गाई भैया लोगों के साथ, थोड़ा सा छोटा मोटा डांस भी किया, और हम दोनों पहले भी गए थे वहाँ हल्द्वानी इनके स्टूडियो में। तो गाइज मैं ना बगल में दीदी लोगों के यहाँ से प्रोग्राम से चलेगी घर, और भैया लोग भी चले गए अपने घर को। और ये है हमारा नानू। नानू बोला मम्मा आप कहाँ गए थे? और नानू बोला बाबू मैं ही गई थी। बाबू मम्मा कैसी लग रही? अच्छी है। हाँ क्या है? हाँ मम्मा अच्छी लग रही, बोला बाबू। और मम्मा ये कान में क्या है? बोला बाबू मम्मा की सुनी है वो। हाँ ये क्या है आप ही बता दो, क्या है? लिखो। ये क्या है बता दो बेटा? ये भी है। हाँ हाँ ये भी है बाबू। और ये है मेरा छुटकू बेटा। बाबू आप सब लोग कैसे हैं बोलो? अच्छे। हाँ तो गाइज आज ना जो ये भैया आए थे स्टूडियो वाले, इनका और मेरा मतलब दूसरी बार मिलना था आप सभी लोगों के साथ। देखो इतनी जल्दी में भैया से दूसरी बार मिल गई, सभी लोगों के आशीर्वाद से दूसरी बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो गया मेरे को। नानू भी हल्ला कर रहा है, मतलब भैया से मिलने के बाद काफी अच्छा लगा। भैया ने थोड़ा सा गाना भी गा रखा है, वो मैंने जानो नौकरी माँ दिल्ली होता है दूर। कितना अच्छा गाना है ना वो, आजकल वाला गाना बहुत ज्यादा फेमस हो रखा है, आप सभी लोग देखना अच्छे से। और वैसे ना हम लोग जैसे ये भैया के साथ प्रोग्राम करते हैं, तो पूरी ज्वेलरी के साथ तैयार होके जाते हैं। जैसे अपने मावनी पिछौड़ा पहनते हैं, साड़ी लगाते हैं, मतलब गले के नेकलेस, सारी चीज़ें पहनते हैं, गले की माला, कान के झुमके उमके, मतलब बड़ी साइज़ के पहन के जाते हैं ना। मैंने वो नत्था और मांगटी का भी पहना था अभी तक, वो उतार दिया है क्योंकि उस नत्थ डाल के ना मेरे नाक में दर्द जैसा हो जाता है, नाक मतलब नीचे वो खिंचाव जैसा हो जाता है, अभी खाओगे रुको, इसलिए मैंने उतार दिया। और आप लोग बताना मैं कैसी लग रही करके। साड़ी तो मैं कम कम ही पहनती हूँ, जैसे कभी कोई फंक्शन वंक्शन होता है तो तभी पहनती हूँ, नहीं तो नहीं पहनती हूँ साड़ी ज़्यादा। तो गाइज आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को।
फिर जल्दी से मैं आप लोगों के लिए एक नया सा ब्लॉग लेके आऊँगी, अच्छा सा, वो भी अच्छे से, मतलब सुंदरता के साथ होगा, अच्छे से बन ठुम के, मतलब मार्केट घूम घाम के एक अच्छा सा प्यारा सा ब्लॉग बनाऊंगी आप लोगों के लिए। और ये वाला ब्लॉग कैसा लग रहा, और ये है देखो मेरी चूड़ी रेड कलर की, मेरे को ये वाली चूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी, और ये वाला गले का भी ना मैंने लिया था तो बहुत सारे लोगों को पसंद आए हैं, हल्द्वानी से लेके आई थी, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मेरे से दीदी लोग बोल रहे थे पड़ोस के कि हमारे लिए भी ला दोगे अच्छा है करके, हल्द्वानी कब जा रहे हो बताना, अब मैं कभी हल्द्वानी जाऊँगी तो उनके लिए भी लेके आऊँगी ना, उन सभी लोगों को पसंद आ रखा है। अगर आप लोगों में से भी किसी को पसंद हो ना तो पसंद होगा तो बता देना आप लोग भी, ठीक है। चलो फिर ठीक है, आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, और फिर एक नए दिन से मतलब आप लोगों के लिए एक अच्छा सा नया सा ब्लॉग लेके आऊँगी। आप सभी लोग अपने अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना, और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्दी से पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं एक नए दिन से, ओके बाय बाय।